बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी, सांसद अर्जुन जी, हमारे विधायक माननीय देवी सिंह जी, माननीय गोपाल जी, सिद्धि कुमारी जी, विजय बंसल जी, पूर्व सांसद निहालचंद जी, पूर्व विधायक नंदू जी जो अस्पताल से चल के यहाँ आए हैं, पूर्व विधायक अर्जुन जी झिंगर, पूर्व मंत्री तारा भंडारिया जी, जिलाध्यक्ष शशि जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष सोमदत्त जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल जी गहलोत, सब पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु मेरे स्टेज पे इधर उधर सब दूर बैठे हुए मेरी सब माताएं बहने और मेरे सब बीकानेर शहर के बुजुर्गण भाइयों, आप लोग सबको यहाँ देख के मुझे बहुत ज्यादा यहाँ खुशी हो रही है। मैं सिद्धि कुमारी जी को कहा था भैया आके जरा अपना भाषण दे दो, इतने फास्ट हो गया कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कहाँ चला गया, पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज सिद्धि जी को और आपके शहर के यूनिट को और आपके गोपाल जी को जिन्होंने आज इतना जबरदस्त कार्यक्रम और आप सबको यहाँ इकट्ठा करने का काम किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने किया और एमपी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मिलकर आज का ये कार्यक्रम सफल बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मेरे पीछे वो सूर सागर है ना, पूछ रही बीकानेर में जब भी आने का होता है तो मुझे याद है कि सूर सागर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली मीटिंग बीकानेर के अंदर हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर मैंने सूर सागर का जिक्र किया था, आप लोग सब जोर से हंसे थे और सब लोगों ने कहा कि 20 साल से ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, जो आता है वो सूर सागर की बात करता है, परंतु आज तक किसी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखा के उसको ठीक करने का काम नहीं किया है। आप भी उस राजनीति में जुड़ जाओ, मैंने वादा किया, उस वादा को पूरा किया और मैं ये देख रही हूं कि 4.5 साल में जिसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, कल मेरे आने के पहले ही उसको फिर से चकाचक करके आप लोगों को प्रस्तुत करने का वो काम किया। मुझे बड़ी खुशी है, इसका मतलब है कि चाबुक चलाओ तो सरकार काम भी करती है। मैं वही देखते देखते आज आ रही थी और आप लोगों का ये आज आपके कार्यक्रम और कल दो कार्यक्रम के बाद मेरा संभाग बीकानेर कंप्लीट होता है। बीकानेर के साथ जो रिश्ता है वो राजनीतिक रिश्ता अकेला नहीं, सब लोग मुझे ये कहते हैं कि राजनीति तो यहां से करनी पड़ती है, परंतु मैंने हमेशा ये कहा और बीकानेर में तो स्पेशल बात है ये कि यहां और दिल ये दोनों जब मिलके काम होता है तो बीकानेर और हमारा खुद का ऐसा रिश्ता बना। इसलिए मैं कहती हूं कि ये अकेले राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये दिल और दिमाग का रिश्ता है और मैंने ये रिश्ता और आपने ये रिश्ता 2003 के अंदर जोड़ा था और मैं विश्वास ये करती हूं कि एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत दिनों के लिए चलता रहेगा, एक ऐसा पारिवारिक रिश्ता बन जाएगा जिस रिश्ते के अंदर हम दोनों मिलके राजस्थान और अपने इस बीकानेर को विकसित करने का काम करेंगे। आज मैं बहुत जगह से होते हुए आ रही हूं, मैं दो चीज देखा और इसका फायदा अपने को सबको मिला, मैं लेते लेते आई, मैंने कहा कि गंगानगर में मैं गई तो मेरे एक दिन पहले मेडिकल कॉलेज का करार हो गया। आप लोग सब जानते हो कि 9 महीने से मेडिकल कॉलेज धरना फसाद सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ जल्दी हो सकता था, परंतु जब लगा कि ये सुराज संकल्प यात्रा आ रही है भैया, इसके जल्दी पहले ही अपना काम करना है, तो मेडिकल कॉलेज गंगानगर को अच्छी तरह से मिल गया, उसका करार हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि हनुमानगढ़ के अंदर मैंने डॉक्टरों की बात की तो 9 PHC खुल गए। मेरा ये कहना है कि PHC तो कितने भी खोल दो परंतु जब तक डॉक्टर नहीं है उस PHC का कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, फिर भी खोला ये भी बहुत बड़ी बात। इसी तरीके से अंदर सूर सागर का मैंने देखा, ऐसा नाटक तो मैंने कभी नहीं देखा,
इसका मतलब यह है कि 53 साल का राज कांग्रेस का रहा, ये तो बहुत पहले इसको कर सकती थी, परंतु इसने चला के नहीं किया। जब आपने चाबुक चलाया तो उन्होंने कहा वो भी कल आ रही है, ये लोग सब कल मिल जाएंगे, इससे बेटर तो ये है कि यहां अपना वो पत्थर लगा के और सबको ये बताने की कोशिश करें कि सूर सागर का काम देखो कांग्रेस ने 53 साल के बाद करके दिखाया। वाह रे कांग्रेस वाह। अब आप आ जाओ नरेगा की जो घोषणा है कि हम लुगड़ी देंगे उनको, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है 4 महीने बाकी बच गए, जो 4 साल के जो कुंभकर्ण की नींद सो के जागे हैं उन्होंने कहा ये 4 साल के अंदर जल्दी जल्दी अपना काम करा लो। और जब सुराज संकल्प की घोषणा हो गई 2 तारीख फरवरी को मैं जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बन के आई और हमने घोषणा की कि हम सुराज संकल्प यात्रा 4 अप्रैल से चालू करने वाले हैं। 28 मार्च को नरेगा की लुगड़ी की घोषणा हो गई, उसके बाद 1 अप्रैल 4 तारीख को हम शुरू करने वाले थे, 1 अप्रैल को पेंशन की घोषणा हो गई, उसके बाद 4 तारीख को जिस दिन मैंने चालू करना था 4 तारीख को साइकिल की घोषणा हो गई, 9 मई को जब लगा कि भैया ये सब लोग इधर उधर चलने लगे हैं तो 9 महीने को टैबलेट की घोषणा हो गई कि भैया टैबलेट की जगह में पैसा ले जाओ, और उसके बाद 15 जून को फिर साड़ी के नगद पैसे आप ले जाओ उसकी घोषणा हो गई। और मैं कह रही हूं कि 4 साल तक कोई भी स्कीम आपने नहीं चलाए, कोई भी स्कीम आपने नहीं चलाए, कोई काम आपने नहीं किया, और साढ़े चौथे साल के अंदर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, तो मैं तो कह रही हूं कि बहुत अच्छी बात हो गई है कि 4 महीने के लिए तो जागे हैं, जो काम करवाना चाह रहे हो आप 4 महीने के अंदर सब काम करवा लो, क्योंकि ये कैसा भी आपका है, काम भी आपके लिए होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, और ये पैसा अगर आप लोग नहीं ले लोगे तो वो काला धन बन के स्विस बैंक अकाउंट पे चला जाएगा, इसलिए आप लोगों को सबको ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं बीकानेर की बात सब लोगों को पूछ रही थी तो सबसे पहली बात मेरे को ये कहा गया, अरे यहां देश का दामाद आया था और देश के दामाद शायद रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप लोगों ने सुना है आया था। मैंने किसानों से पूछा था कि हमने नहरों का दौरा किया था मई के महीने में 2007 के अंदर और हमने वो बात करने की कोशिश की थी जो सालों साल आज तक नहीं हुआ था, पहले नहरों की दरारों को ठीक करना, फिर मशीन खरीद के नहरों का सिल्टिंग जो भी है उसको साफ करना, फिर मोगों को ठीक करना और आखिरी में तेल तक पानी पहुंचाने का काम करना जो आज तक इतने साल बाद वो नहीं काम किया है। मैं पूछना चाहती थी जो पानी सही तरीके से नहीं पहुंचा रहा है आज भी सिटी के अंदर, फिल्टरेशन प्लांट ठीक चल नहीं रहा है, आपके जो पाइपलाइंस हैं वो सड़े गले हैं जगह जगह पे और इसलिए कई जगह के ऊपर दूषित पानी पहुंचता है, ये सब लोगों को अपने बीकानेर के अंदर मालूम है और इन सब चीजों को बदलने का काम अगले 5 साल के अंदर हमको मिलके करना है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आज डीप सिल्टिंग हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डीजल के अभाव में मशीन वैसी खड़ी हुई है। अरे मैं पूछना चाहती हूं इतना बड़ा काम हो जाने के बाद क्या 20 लाख 30 लाख या 70 लाख रुपए ये सरकार दे के ये काम नहीं करवा सकती है? कितनी शर्म की बात है कि जो काम हम लोगों ने तब किया था उसको खाली मरम्मत करके ठीक रखते तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, जो ये काम अगर उसकी मरम्मत करके उसको ठीक करते तो उसके भी अंदर पैसे करना खर्च करने की जरूरत नहीं होती। आज बीकानेर का हॉस्पिटल प्रिंस विजय मेमोरियल हॉस्पिटल जो आपका है उसका नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रही हूं कि वो नाम बदला नहीं जाएगा, प्रिंस विजय मेमोरियल हॉस्पिटल रहेगा, ये है हमारे गंगा सिंह जी की देन, उस चीज को हम याद रखेंगे और वो हॉस्पिटल वैसे के वैसे रहेगा। बीकानेर एक ऐसा शहर है जिसके महाराज गंगा सिंह जी और उन्होंने सबने जिस तरीके से किया है, हम लोग सबने राजनीति के अंदर घुस के बहुत बिगाड़ने की कोशिश की परंतु उन्होंने 100 साल आगे सोचा था, इसलिए आज बीकानेर तो वैसे ही सुंदर का सुंदर शहर है और लोग आते हैं इसको देखने के लिए क्योंकि लोग मानते हैं कि बीकानेर की सड़कें हम लोगों को कोई हाथ करने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी सड़कें उस समय से बना के रखी है, इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहती हूं। मैं बिजली के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी, मैंने देखा कि पूरे इलाके के अंदर जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी वो बिजली नहीं मिल रही है, शहरों के अंदर तो फिर भी ठीक है परंतु गांव के अंदर तो वो मारे मारे फिर रहे हैं सब लोग।
गांव के अंदर जो 4 घंटे बिजली 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी वो बिजली मिल रही है क्या किसी को? किसानों को मिल रही है क्या? मैंने देखा नहीं मिल रही है। महिलाओं को मैंने कहा था कि आपको 24 घंटे बिजली मिलना है और जाते जाते 18-20 घंटे बिजली मैं देके गई थी। मैं आपको सबको वादा करना चाहती हूँ आने वाले समय के अंदर वो घरेलू बिजली जो सिंगल फेज की बिजली है उसको हम लोग चला के 24 घंटे आपको ला के देंगे। यहाँ के पानी का इंतजाम जो पाइपों को ठीक करना है, फिल्टरेशन प्लांट को ठीक करना है, वो फिल्टरेशन प्लांट्स और पाइपों को ठीक करने का काम करेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी को सही पर्याप्त और साफ जल मिलने का काम हो। उसके लिए शहर का काम करना मुझे लगता है बहुत जरूरी। इसी तरीके से मैंने कहा कि आप लोगों के इस इलाके के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैंने कोशिश ये की थी, आगे चला के कोशिश ये की थी कि तमाम संभाग है राजस्थान, जयपुर को छोड़ दें आप क्योंकि वो सब काम वहां होता है। हमने तय किया था कि IIIM उदयपुर में जाए, IIT कोटा में जाए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जोधपुर में खड़ा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर अजमेर में जाता है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ यूनिवर्सिटी को देने का हम लोग काम करें तो सब लोगों को कुछ एक एक मिल जाएगा और पूरे पूरे क्षेत्र अपने अपने आगे बढ़ने का काम करेंगे। परंतु यहाँ मैं देखती हूँ कि इस शख्स ने राजस्थान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया है। तो कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों की स्थिति क्या है, क्या पानी आपको मिल रहा है, क्या आपको बिजली मिल रही है, क्या आपकी रोड की जो हालत मैंने देखी है। आज जहां मैं गई हूं ये 5 दिन के अंदर जो मैंने पाया है, जर्जराए हुए रास्ते बिल्कुल ही खराब, और ये रस्तों का काम किसी ने किया नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, जब आपके स्कूल में टीचर्स नहीं है, जब आपकी बिजली नहीं है, जब आपका पानी नहीं है, ये कोई भी काम नहीं हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं दिया है, तो 4.5 साल में इस सरकार ने क्या किया है? क्या किया है मैं पूछती हूँ, तो कुछ भी नहीं किया है। शर्म आनी चाहिए उसको, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो यही देखती हूँ कि अब कुछ भी नहीं हुआ है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की स्थिति जो बन गई है यही शर्मनाक स्थिति है। मैंने देखा कि अपराधों में देश के दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम है, महिला उत्पीड़न में देश के तीसरे नंबर पर अपना स्थान है, महिला दुष्कर्म के मामले में देश में पहला नंबर जयपुर का है, अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर देश में तीसरे नंबर पे है, और आपके सोने की चेन तोड़ने के लिए जयपुर देश के पहले नंबर पर है, और आदिवासी उत्पीड़न में देश के दूसरे नंबर पे है, और एससी और एसटी अत्याचार में देश के पहले नंबर पे है। वाह वाह क्या बात है आप लोगों का, देखो तो सही राजस्थान का कैसा नाम उजागर किया है और हमारे इज्जत और स्वाभिमान को कैसे मिट्टी में मिलाने का काम इस सरकार ने किया है। ये और एक है, भ्रष्टाचार में देश में पहला नंबर है, समझ लो आप लोग कितने मजे की बात है, पहला नंबर है पूरे देश के अंदर। इससे और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और मैं समझती हूँ कि जो उस कुर्सी पे बैठा है जिसके नीचे ये इस तरीके से मार्किंग आ रहे हैं, ऐसे को तो उतर के अपनी गद्दी को छोड़ देना चाहिए। ऐसे तो मैं समझती हूँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए जो अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं रख सकते, जो अपने युवाओं की शक्ति नहीं रख सकते, और जो अपने किसान के लिए खड़ा नहीं हो सकते, उनको उस कुर्सी पर बैठने का हक है क्या? महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, आत्मपगीरों का जो जयपुर के अंदर किस्सा हुआ, 8 महीने किसी को नहीं मालूम उन बच्चियों के साथ कैसा कैसा अत्याचार हुआ। माता है बहने आप लोग सबको मालूम है, हमारी बच्ची स्कूल जाती है कॉलेज जाती है तो हमारा दिल धड़कता है जब तक वो वापस घर नहीं लौटती, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ हो जाए। आज ये स्थिति है हमारी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी महिला, हमारे परिवार की महिला, उसकी इज्जत को हम बनाए नहीं रख सकते तो फिर हमारा क्या मतलब, ऐसी सरकार का क्या मतलब है जो इनके लिए खड़ा होके इनके लिए अपना काम नहीं कर सके। मैं ये पूछना चाहती हूँ युवाओं के लिए, हम लोगों ने आगे चला के 10 लाख लोगों को नौकरी दी अपने समय के अंदर, मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर कितने बच्चों को नौकरी मिली यहाँ, कितनों को मिली? और फिर जले पे नमक कि भैया ये तो बीजेपी वाले खाली टीचर बनाना चाहते हैं, जैसे टीचर बनना कोई बहुत बड़ा अपमानजनक चीज है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर हम लोग यहाँ सब खड़े हैं तो हम लोग इन टीचर्स की वजह से खड़े हैं, अगर वो टीचर्स नहीं होते
तो आप और हम ना यहाँ बैठते ना यहाँ खड़े होते, और मैं समझती हूँ कि मैं इतने यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा है, हो सकता है कि टेट है, हो सकता है कि दूसरी परीक्षा है, ये हमारा काम है कि इन टेट और इन सब चीज को बचाते हुए हम अपने बच्चों को आगे ले जाने का काम करें, हम उनकी भर्तियां कराएं, और जो हमारी वैकेंसी पड़ी हुई है उन वैकेंसी के अंदर हम अपने बच्चों को इंतजाम करके उनको पोस्ट देने का काम करें, ताकि उनको पलायन न करना पड़े, उनको बाहर जाना ना पड़े, उनको सड़क के ऊपर इधर उधर दौड़ना ना पड़े, वो अपने परिवार को संभाल सके, ऐसी स्थिति हम लाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, और हम अपने युवाओं को उसके अंदर डालना चाहते हैं। अरे मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ, महानरेगा का नाम आपने सुना है, महानरेगा जब शुरू हुआ तो राजस्थान के अंदर सरकार अपनी थी, हम लोगों ने महानरेगा का काम करके पूरे देश में नंबर एक का दर्जा हासिल किया, आप सब जानते हो 26 लाख लोगों को नौकरी दी और साथ में उनको पैसे भी सही समय पे दिलवाया, वो 26 लाख लोगों ने वो बीमारू प्रदेश को हमारे साथ उठा के गड्ढे से निकाल के अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया, और आप मेरे से कहोगे कैसे, क्योंकि उन सब ने मेहनत करके परिसंपत्तियां बनाई और उन परिसंपत्तियों की वजह से राजस्थान विकसित होने के रास्ते पे निकला, ये मैं उन सबको दाद देना चाहती हूँ, एक अकेले आदमी का कोई काम नहीं है जी, ये काम है सब लोगों का मिलके, उन 26 लाख लोगों ने जिन्होंने काम किया उनको मैं मेहरबान मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, और मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये परिवार जब पूरा होकर आगे बढ़ेगा तभी हम ये पूरा काम कर सकेंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में ही कहने आई हूं, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके अंदर सब जो मजहब है, इसके अंदर सब जो जातियां हैं, उनको सबको इकट्ठा होकर आगे चलना है। कांग्रेस वालों ने आज तक एक दूसरे के बीच में फूट डाल के राजनीति की है, 53 साल राजनीति कैसे होती उधर देख लीजिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल राज किया और हमने देख लीजिए कहां से कहां तक पहुंचा है, 15 साल में दुनिया में नाम गुजरात का हो गया है। इधर आके शिवराज जी चौहान 10 साल उन्होंने काम किया और 10 साल के अंदर देश के पर्दे के ऊपर मध्य प्रदेश को ला के छोड़ा है, और हम ये पूछना चाहते हैं कि 53 साल हमने कांग्रेस को दिया राजस्थान के अंदर, 63 में से 53 साल कांग्रेस को दिया, और कांग्रेस ने हमारी किस तरीके से बेइज्जती करके, किस तरीके से हमें खत्म करके और गर्त में पहुंचाने का काम किया है, वो राजस्थान के फिगर्स अगर आप उठा के देख लो मालूम पड़ जाएगी। आज बिहार का विकास दर 16% है और राजस्थान का विकास दर 5%। कहां था बिहार, कहां था राजस्थान, आज कहां है बिहार और कहां है राजस्थान, कितनी शर्म की बात है। लोग दूर से इतिहास में पढ़ पढ़ के राजस्थान का नाम, राजस्थान को देखने आते हैं, उसकी माटी को उठा के अपने माथे पे लगाते हैं, वो देखते हैं, पढ़ते हैं, खुश होते हैं राजस्थान को देख के। आज राजस्थान की इस कहानी को सुन के कितनी शर्मिंदा हम सब होते हैं, ये तो आपके ऊपर क्या बीत रही है हम जानते हैं। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि कितने भी गरीब होंगे राजस्थान के लोग, स्वाभिमानी लोग हैं, ये कितने भी गरीब होंगे अपने इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देगा, और मैं इनको कहना चाहती हूँ कि हम अपनी इज्जत के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए अपना एक एक बूंद खून भी देने को तैयार है, और ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त एक मिनट हम करेंगे नहीं अगर वो राजस्थान को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जितना भी आम समेट सकते हो समेट लो, और मैं सब लोगों को कहती हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में बांट रहे हैं तो पैसा आपका है उसको ले लो, परंतु लेने के बाद ध्यान में इतना आना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम लोग गलती से वह ना आगे बढ़ के न पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर दुष्ट लोग वापस आ जाए, अगर आ जाएंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि राजस्थान को उस गड्ढे में से बाहर निकलने का काम ही नहीं करने देंगे। मैंने अटल जी की एक कविता है जिसमें कहती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो अकेले मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में जादू नहीं है, वो जादू आपके हाथ में है, ये सब जो बैठे हैं इनके हाथ में जो जादू और ताकत है, वो जादू और ताकत अगर एक हो जाता है तो राजस्थान को कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैंने ये कहा और उनकी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वक्त को जिसने न समझा, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, बच गया तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी के रास्ते चट्टान को हटना पड़ा है। जी कहते हैं हटना पड़ा है, और मैं कहती हूं कि लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर मन के अंदर आप ठान लो कि हमें राजस्थान को आगे ले जाना है तो कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकोगे अगर हम लोग सब मिलकर चले। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को कहने आई हूं, एक सपना आपने भी देखा है, एक सपना हमने भी देखा, हमने सबने मिलकर एक नए राजस्थान का सपना देखा है, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला सिर ऊंचा करके सड़क पर चल सके, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे युवा उनको रोजगार मिले, वो पढ़ लिख सके और होनहार बने, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे किसानों को मजबूत बनाने का काम सरकार करे, उनको सही टाइम पे बिजली, उनको सही टाइम पे बीज, उनको सही टाइम पे खाद, उनको सही टाइम पे पानी, और जब जाते हैं बाजार के अंदर तो सही दाम उनको उनकी फसल के लिए मिले, ऐसी व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। और जो सरकार ये नहीं कर सकती है, और जिसने लाके आत्महत्या की कगार पे हमारे किसानों को लाके रखा है, ऐसी सरकार को कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। इसीलिए आज ये बात अपने बीच में हो रही है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि एक दिन पहले आए सूर सागर के ऊपर चाय लाइट लगाते गए, वो लगता है कि इससे लुक जाएगा आदमी। 24 तारीख को फिर आएंगे कि आगे पीछे किसी तरीके से भी हम लोगों को लुभाने की बात है। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि हमने बहुत देख लिया, उनके नाटक भी बहुत देख लिए, किस तरीके से लुभाते हैं, किस तरीके से डराते हैं, वो भी देख लिया। अरे डराने में आके सीबीआई को, आजकल किसी ने मेरे को आके कहा कि इतने मर्डर हो रहे हैं, हमारे ये दो बच्चों का मर्डर हुआ था, उन दो बच्चों के मर्डर के लिए जरा सीबीआई को आप लगवा दीजिए, उनको चिट्ठी लिखवा दीजिए। मैंने सबको कहा भैया आजकल सीबीआई गरीब जनता के लिए नहीं है, ये सीबीआई वन, आपने नैना मर्डर कांड सुना होगा, तंदूर कांड सुना होगा, जिसमें नैना को काट काट के तंदूर के अंदर जलाया गया था। माता बहने सन सुनो, एक कांड था शिवानी कांड, जिसमें शिवानी का जर्नलिस्ट थी उसको मर्डर किया था। ये सब कांड सीबीआई के कांड थे, आज तक सीबीआई को ठीक तो कर नहीं पाई है। परंतु सीबीआई आपके लिए नहीं है भाई और बहनों, वो हम लोगों के लिए है। आजकल बड़े लोगों की पार्टी हो गई है सीबीआई। गुलाब जी के पीछे पड़े, जिस व्यक्ति ने आज दिन तक मक्खी को छुआ नहीं है ऐसे के पीछे पड़ेंगे, वो ऐसे के पीछे पड़ेंगे। अरे पूरा आयोग खड़ा कर दिया, सब पूरे फाइलें खंगाल दी, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि चुनाव के पहले पूरी इज्जत के साथ जाऊंगी मैं जनता के बीच में कि आप लोगों ने मेरे को जो चुंदड़ी पहनाई है उस चुंदड़ी की इज्जत रखी, आपको कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पूरे परिवार के इज्जत और स्वाभिमान को बना के हमने रखा है, उस इज्जत, उस चुंदड़ी की इज्जत को मैंने रखा है। पर चुंदड़ी की इज्जत तो मैंने रखी है, मैं जानती हूं कि किस तरीके से, जिस तरीके से ये सब लोगों के सामने पेश होते हैं वो आप भी देख रहे हो। ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मेरे भाई मेरी बहनें हैं। मैं कहती हूं कि आपने चुंदड़ी जब उड़ाई है उस चुंदड़ी की कसम, आपको भी इज्जत रखने का काम आपके हाथ में भी पड़ता है। मैं तो आपकी इज्जत रखूंगी ही रखूंगी, और मेरे परिवार के लोग ढाल जैसे सामने खड़े हो जाएंगे। आने दो मैदान में, मैं तो कहती हूं कि आने दो मैदान में, मैदान में निपटेंगे और काम करेंगे इस राजस्थान का, उस राजस्थान को आगे बढ़ा के हम लोग छोड़ेंगे। यह विश्वास आप लोग सबको मैं दिलाना चाहती हूं, हमारे युवाओं को मैं कहना चाहती हूं, हमारे कर्मचारियों को मैं कहना चाहती हूं, जो जायज होगा वो जायज काम हम करके छोड़ेंगे। हमें 4 साल सोने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को राजस्थान को एक ऐसी जगह पे ले जाना है कि बाहर वाले लोग आएंगे फिर से देखने के लिए, और राजस्थान बिल्कुल नीचे के नंबर पे नहीं परंतु बिल्कुल ऊपर के नंबर पे देश में पहुंचेगा, ऐसी स्थिति में हम लोगों को लाना है। बहुत दिन हो गए हमने वो नहीं देखे, और मैं सोचती हूं कि अगर हम लोगों ने हाथ बढ़ा के तारों की तरफ देखा तो वो तारे भी हमारे हाथ में आ जाएंगे। बस सपना देखने की जरूरत है, इतनी हिम्मत करने की जरूरत है, और अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बताओ भाइयों बहनों, क्यों नहीं होगा, होगा। और मैं आप लोग सबको आज यही कहने आई हूं कि आप लोगों के बीच में ये लोग आएंगे भी तो इतना याद रखना, बात सुन लेना, सब कुछ ले लेना, परंतु वो करना जो राजस्थान के लिए ठीक है। और आखिर में मैं इतने कहने आप लोगों को, सबको बहुत सारा प्यार,
सबको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आज करणी माता के दर्शन करके जब मैं निकली तो मैं सोच रही थी कि बीकानेर के इस चौक के अंदर आप लोगों के दर्शन मुझे करने को मिलेंगे, परंतु रस्ते भर जिस तरीके से युवा मोर्चा ने, जिस तरीके से महिला मोर्चा ने, जिस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा ने, सब लोगों ने, शहर के वासियों ने जिस तरीके से अपनाया, जिस तरीके से गले लगाया, आपने इतना बड़ा कर्जा अपने प्यार का हमारे कंधे के ऊपर डाल दिया कि जिंदगी भर भी अगर मैं सेवा करूंगी तो मैं समझती हूं कि उस कर्ज को मैं उतार नहीं पाऊंगी। आपने इतना प्यार हम सबको दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और ये फिर याद दिलाना चाहती हूं कि हम लोग बनाएंगे उस नए राजस्थान को, ऐसे राजस्थान को जिसमें खुशहाली, जिसमें समृद्धि, जिसमें विकास, ये सब होगा। और मैं चाहती हूं कि अगर आप लोग कोई भी डरते हो, अगर कोई भी आपको धमकाएगा, डराएगा, तो तैयारी होनी चाहिए इसके खिलाफ लड़ने की। बताओ हिम्मत है क्या? हिम्मत है क्या? ये आप और बात बता दो, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करना, क्योंकि हाथ जो है ये है पापी हाथ। इस हाथ ने मालूम नहीं कितनों का गला दबाया है, कितना तो अत्याचार किया है, और इस हाथ आज भी आपका जेब काटने में लगी है। ये चीज को याद रखना। और मैं एक चीज कह के आप लोगों को बंद करना चाहती हूँ कि नए वीडी लिग्नाइट का आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। आपको याद है कि हम लोगों ने बरसिंह दत्त का प्रोजेक्ट चालू करवाया था। मैं ये पता करना चाहती हूँ कि उसकी बिजली अभी तक जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी वो मिली क्या आप लोगों को? मिली क्या? नहीं मिली। मैंने यहाँ देखा कि कोयला बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया है, बिजली तो नहीं परंतु कोयला बेचने का काम कर दिया है, जो बिल्कुल ही इल्लीगल है और वो कर नहीं सकते हैं। इनको हम लोगों ने बिजली पैदा करने के लिए फैक्ट्री दिलवाई थी, और आज अगर गरीब किसानों की जमीन लेके उसमें से कोयला निकाल के कोयला को बेच रहे हैं, तो जिस चीज के लिए हमने उनको जमीन दी थी उसके बिल्कुल ही खिलाफ ये बात जाती है। मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि उसके ऊपर भी अपने को एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार अपनी होती है तो उसमें हम पूरी तरह से एक्शन लेंगे, तो ये भी आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूं। और सब लोग यहां जो इकट्ठा हुए हैं उन लोग सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार आप लोगों को बीकानेर के बाद बहुत सारा प्यार। मैं आपको दृढ़ विश्वास दूंगी हम लोग सब मिलकर एक नया राजस्थान बड़े सक्सेसफुली बनाएंगे, पूरी तरह से बनाएंगे, और उसमें एक एक व्यक्ति का हिस्सा होगा। यही विश्वास आपको दिला के आगे बढ़ने की काम करूंगी। एक जोरदार नारा जय राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक सुंदर बीकानेर, एक समृद्ध बीकानेर, एक विकसित बीकानेर और एक विकसित राजस्थान, एक नया राजस्थान ये बना के हम लोग छोड़ेंगे। बहुत बहुत आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।